आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। रुक कर लेते हैं बड़ी खबरों की ओर। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का एएसआई सर्वे शुरू हो गया है। एएसआई की टीम ने सुबह 7 बजे ज्ञानवापी परिसर पहुंचकर प्रक्रिया शुरू की। एएसआई को 4 अगस्त तक सर्वे की रिपोर्ट वाराणसी की जिला अदालत को सौंपनी है। जिला जज एक विश्वेश ने शुक्रवार को मस्जिद परिसर का वैज्ञानिक सर्वे कराने का आदेश दिया था। उधर मुस्लिम पक्ष ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। एएसआई की टीम में 43 सदस्य हैं। एएसआई की टीम के साथ 4 वकील भी मौजूद हैं, यानी सभी पक्षों के एक एक वकील ज्ञानवापी परिसर में मौजूद हैं। इसके अलावा 4 वादी महिलाएं भी सर्वे टीम में ज्ञानवापी में मौजूद हैं। सूत्रों के मुताबिक एएसआई ने 4 अलग अलग टीमें बनाई है और सभी टीमों ने अपनी कार्यवाही शुरू कर दी है। चारों टीमें अलग अलग जगहों पर सर्वे कर रही हैं, जिसमें एक टीम पश्चिमी दीवार के पास, एक टीम गुंबद की पास और एक टीम मस्जिद के चबूतरे की ओर, एक टीम परिसर के सर्वे के लिए लगाई गई है। तो आज ज्ञानवापी मामले में एएसआई सर्वे की जांच शुरू हो चुकी है। एएसआई अपना सर्वे कर रही है। सुबह 7 बजे से प्रक्रिया शुरू है। तमाम तरह की वहां पर सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। जिस तरीके से 21 जुलाई को हिंदू पक्ष में फैसला आया था, जिला कोर्ट ने फैसला सुनाया था, जिस तरीके से लगातार हिंदू पक्ष मांग कर रहा था एएसआई सर्वे की, तो आज एएसआई सर्वे की शुरुआत हो चुकी है। ज्यादा जानकारी के साथ इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता विवेक जुड़ चुके हैं। विवेक, एएसआई सर्वे की शुरुआत सुबह 7 बजे से आज चल रही है वाराणसी में। देखिए, जिस तरीके से लगातार हिंदू पक्ष ने मांग की थी, अब उस प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। माँ गौरी के नित्य पूजा अर्चना की अनुमति दी जाए। इसके बाद अगर बात करें तो लगातार ये मामला चलता चला आ रहा था। फिर जिला जज ने इस पर आदेश दिया और हमने पिछले साल देखा था किस तरीके से जब खुदाई के काम हुआ था तो वजूखाने में शिवलिंग होने की बात हिंदू पक्ष कहता रहा था और मुस्लिम पक्ष उसकी बात को यह कह के नकारता था कि वह शिव मंदिर नहीं, शिवलिंग नहीं बल्कि एक फव्वारा है। इसके बाद अगर बात करें तो याचिकाकर्ता अपनी बात पे कायम रहे और जिस तरीके से देखा जाता है तो सुप्रीम कोर्ट मुस्लिम पक्ष गया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जिला अदालत को यह मामला रेफर कर दिया गया था। और जिस तरीके से बात की जाए तो साल 1991 के कानून के आधार पर मुस्लिम पक्ष लगातार कहता रहा है कि ये जो मंदिर है जिसको हिंदू पक्ष मंदिर बता रहा है, मुस्लिम पक्ष लगातार ज्ञानवापी मस्जिद होने का दावा कर रहा है, ये उस कानून के हिसाब से सर्वे के अधीन नहीं आता है। लेकिन अगर बात करें तो जिला जज वाराणसी ने सीधे तौर पर ये निर्देश दिया है कि वजूखाने को छोड़ के जो बाकी जो चीज़ें हैं उनका जो है एएसआई जांच करे और जांच में जो चीज़ें निकल के सामने आती है उसकी रिपोर्ट बना के पेश करे। आज सुबह 7 बजे से ही एएसआई की टीम वहाँ पे पहुँच गई थी और एएसआई की टीम में कुल 43 सदस्य हैं और 4 वकील हैं, यानी हर पक्ष का एक वकील वहाँ तैनात है। और जिस तरीके से बात की जाए तो पश्चिम दीवार से लेकर खुदाई अब शुरू हो चुकी है। नंदिनी, देखिए विवेक, जिस तरीके से मुस्लिम पक्ष इसका विरोध कर रहा है, वहीं एक अदालत के फैसले के आने बाद एएसआई का सर्वे शुरू हो चुका है। लेकिन अभी जिस तरीके से मुस्लिम पक्ष लगातार ये बात कह रहा है कि इस मामले में कई तरह की याचिकाएं दी गई थी, पहले उस पर सुनवाई करनी चाहिए थी, इसके बाद एएसआई सर्वे की जरूरत थी, अभी जरूरत नहीं थी। देखिए, अगर बात की जाए तो ये मामला 2021 में 4 वादियों ने माँ सिंगार गौरी के पूजा अर्चना की बात कही थी और एक याचिका लेके जो है जिला अदालत वाराणसी गई हुई थी। इसके बाद ये मामला लगातार तूल पकड़ने लगा और पिछले साल जब हमने देखा कि मई महीने की बात है जब वहाँ पे शिवलिंग होने की बात कही जा रही थी, जब वजूखाने के पूरे पानी को निकलवाया गया तो हिंदू पक्ष लगातार शिवलिंग होने की बात कह रहा था, लेकिन इसके बाद मुस्लिम पक्ष इस बात को नकारते हुए ये बता रहा था कि वो वजूखाने में एक फव्वारा है और मस्जिद के हर वजूखाने में एक फव्वारा होता रहता है। इसके बाद लगातार इस बात पे विवाद छिड़ा रहा,
कि ये शिवलिंग है या बात करें तो फव्वारा है, लेकिन आज से जिस प्रकार से एएसआई की मंजूरी जिला अदालत वाराणसी ने दे दी है, इसके बाद अगर देखा जाए तो 43 सदस्यीय एएसआई की टीम सुबह 7 बजे से ही मौके पर मौजूद है और अपना काम कर रही है। इसके साथ 4 वकील भी लगे हुए हैं और जिस तरीके से बताया कि हर पक्ष का एक वकील वहां मौजूद है, यानी उनके वकील के निगरानी में ये सब काम हो रहा है। अगर बात करें तो 4 वादी महिलाएं भी इस सर्वे का हिस्सा बनी हुई हैं और एएसआई ने 4 अलग अलग टीमें भी बनाई हैं और सभी टीमों ने अपनी कार्रवाई जो है अब शुरू कर दी है। बाकायदा टीम की पश्चिम दीवार के पास, एक टीम गुम्बद के पास, एक टीम मस्जिद के चबूतरे के पास और एक टीम परिसर के सर्वे के लिए लगाई गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिला जज जिला अदालत वाराणसी ने साफ तौर पर कहा है कि मस्जिद के ढांचे को नुकसान पहुंचाए बिना ये काम होना चाहिए। एएसआई उस काम को बेहतर तरीके से, मैं आपको रोकना चाहूंगी, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि ज्ञानवापी परिसर का एएसआई सर्वे जारी है। मुस्लिम पक्ष ने सर्वे का बहिष्कार किया, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मुस्लिम पक्ष ने सर्वे का बहिष्कार कर दिया है। एएसआई सर्वे सुबह 7 बजे से शुरू हो गई है, हमारी बात नहीं सुनी गई। मुस्लिम पक्ष ने कहा कि हमारी बात नहीं सुनी गई, इस सर्वे का बहिष्कार किया है। ज्ञानवापी परिसर का एएसआई सर्वे जारी है सुबह 7 बजे से, वहीं मुस्लिम पक्ष ने सर्वे का बहिष्कार किया है। बता दें कि मुस्लिम पक्ष ने सर्वे का बहिष्कार किया, हमारी बात नहीं सुनी गई। मुस्लिम पक्ष ने कहा कि हमारी बात नहीं सुनी गई, एएसआई सर्वे का उन्होंने बहिष्कार किया है। तो एक बार फिर से रुक करते हैं विवेक की तरफ। विवेक, देखिए मुस्लिम पक्ष ने इस सर्वे का बहिष्कार किया है, उन्होंने कहा कि हमारी बात नहीं सुनी गई है। मुस्लिम पक्ष इस बात का विरोध करता रहा है कि वहां पे शिवलिंग है और लगातार हिंदू पक्ष इस बात के अड़ा हुआ है कि जिस तरीके से पिछले साल हमने देखा कि वजू खाने से शिवलिंग उभर के आया हुआ था, इसके बाद से ही दोनों पक्षों में इस बात को लेकर लगातार विवाद बना हुआ था। और आज जब एएसआई की टीम सर्वे करने गई, 43 सदस्य उसमें शामिल है, तो मुस्लिम पक्ष इस बात का एएसआई के सर्वे का विरोध कर रहा है। एएसआई के सर्वे के विरोध करने की सबसे बड़ी वजह मुस्लिम पक्ष के पास इस बार है कि मुस्लिम पक्ष ने दावा किया है कि नोटिस उनको नहीं दिया गया, किसी प्रकार का नोटिस नहीं दिया गया और सर्वे कमीशन का काम होता है नोटिस देना और सर्वे कमीशन की तरफ से मुस्लिम पक्ष को नोटिस नहीं दिया गया, इसलिए मुस्लिम पक्ष जो है एएसआई के इस सर्वे का बहिष्कार कर रही है। एक तरफ जिला अदालत वाराणसी लगातार इस मामले पे अपडेट ले रहा है, एएसआई को आदेश दे रहा है कि आप सर्वे करके स्थिति को पता करिए, और बकायदा 43 टीमें सुबह 7 बजे से ही एएसआई के लगी हुई है, 43 सदस्य माफ कीजिएगा, और 4 टीमें एएसआई ने अलग बनाई हुई है, 4 वकील भी है आज, लेकिन अब मुस्लिम पक्ष ये कहते हुए नजर आ रहा है कि विवेक देखिए वहीं पर आज सोमवार का तीसरा दिन था, सावन का सोमवार का तीसरा दिन है और वहीं पर आज देखिए जिस तरीके से लगातार हिंदू पक्ष एएसआई सर्वे की मांग कर रहा था, तो कहीं ना कहीं हिंदू पक्ष के लिए ये एक बड़ी जीत की तरफ दिखाई दे रहा है। क्या कुछ वहां पर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? देखिए अगर बात की जाए तो जिस तरीके से ये मामला 2021 के बाद 21 में प्रकाश में आया था और लगातार बात करें तो अदालत में इसकी सुनवाई हो रही थी, सुप्रीम कोर्ट तक मुस्लिम पक्ष गया था, लेकिन मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट ने बात करें तो जिला अदालत में इस मामले को रेफर कर दिया था। इसके बाद अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं हिंदू पक्ष की यह बड़ी जीत है, जिस तरीके से एएसआई वहां सर्वे कर रही है और आज मुस्लिम पक्ष इस सर्वे का बहिष्कार कर रहा है कि उनको नोटिस जो है सर्वे कमीशन की तरफ से नहीं दिया गया और जिसकी बात वो इस एएसआई के पूरे सर्वे का बहिष्कार कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो सावन के सोमवार का आज तीसरा दिन है और इस प्रकार से भगवान भोले के दर्शन करने के लिए भी काशी विश्वनाथ में तमाम श्रद्धालु पहुंचते रहते हैं, पूरे सावन का महीना है और लगातार भक्तों का तांता काशी विश्वनाथ के दर्शन और जलाभिषेक के लिए लगा रहता है, लेकिन देखा जाए तो आज सोमवार के दिन वैसे भी काफ़ी मंदिर परिसर में भीड़ होती है और मंदिर परिसर में ही ये ज्ञानवापी मस्जिद है। अगर देखा जाए तो नया जो कॉरिडोर बना है, जो भव्य गेट के बगल में ही ज्ञानवापी मस्जिद है, तो वहाँ सुरक्षा व्यवस्था के पूरे इंतजाम किए गए हैं। अगर देखा जाए तो सावन के महीने में और भी पुख्ता इंतजाम किए जाते हैं, लेकिन आज बड़ा दिन है, एएसआई की टीम वहाँ सर्वे कर रही है, तो प्रशासन ने बेहतर पुख्ता इंतजाम सुरक्षा व्यवस्था के लिए किए हैं। जी वहीं पर देखिए विवेक, 4 अगस्त को रिपोर्ट सौंपनी है, तो क्या लगता है राम भक्तों की, जिस तरीके से राम भक्त जिस तरीके से लगातार मांग कर रहे थे कि शिव भक्तों की में आज बड़ी
जीत की तरफ है, तो क्या लगता है कि 4 अगस्त को जो रिपोर्ट सामने आएगी वो हिंदू पक्ष के लिए क्या कुछ बयां करेगी? देखिए अभी इस पर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, 4 अगस्त को रिपोर्ट सौंपनी है और एसआई की टीम इस खुदाई में जांच में बहुत सारी चीज़ों को देखेगी, कई तथ्यों को देखेगी और पुरातत्ववेत्ता भी यहाँ पे अपनी चीज़ों को बताएंगे कि जिस तरीके से सिंगार गौरी मंदिर में दावा किया जा रहा था कि ज्ञानवापी मस्जिद में जो पीछे की दीवार है उसमें हिंदू परंपरा के मानक के अनुसार उनके देवी देवता की मूर्ति बनी हुई है और ज्ञानवापी मस्जिद मस्जिद नहीं बल्कि एक मंदिर है। और जिस तरीके से अगर देखा जाए तो वजू खाने में स्विलिंग और फव्वारे की बात कही जा रही थी, तो एएसआई के सर्वे के बाद जब 4 अगस्त को एएसआई रिपोर्ट सौंपेगी जिला अदालत वाराणसी को, उसमें ये कंफर्म हो जाएगा कि आखिर एएसआई ने इस सर्वे के बाद से जांच के बाद से क्या निष्कर्ष निकाला है। उस समय ये पता लग पाएगा कि आखिर ये मामला किसकी तरफ झुकता हुआ दिखाई दे रहा है। विवेक, आपको रोकना चाहेंगे, बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि ज्ञानवापी परिसर का एएसआई सर्वे जारी है, सुबह 7 बजे से एएसआई सर्वे जारी है। ज्ञानवापी सर्वे पर केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान सामने आया है। उप मुख्यमंत्री ने बड़ा बयान दिया है, हर हर महादेव सत्यमेव जयते। केशव मौर्य ने ट्वीट करके कहा कि हर हर महादेव सत्यमेव जयते। ज्ञानवापी परिसर का एएसआई सर्वे जारी है, सुबह 7 बजे से एएसआई सर्वे लगातार जारी है। ज्ञानवापी सर्वे पर केशव मौर्य का बड़ा बयान सामने आया है, हर हर महादेव सत्यमेव जयते। केशव मौर्य ने कहा हर हर महादेव सत्यमेव जयते, लगातार ज्ञानवापी मामले में अब एएसआई सर्वे जारी है, सुबह 7 बजे से ही एएसआई सर्वे कर रही है। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता सुहानी जुड़ चुके हैं। सुहानी, ज्ञानवापी मामले पे एएसआई सर्वे सुबह 7 बजे से जारी है, इसी के बीच केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर कहा कि हर हर महादेव सत्यमेव जयते, क्या कुछ संकेत देना चाहते हैं? नंदिनी, आपको बता दें कि जिस तरह से ये अदालत का जो फैसला आया है कि ज्ञानवापी मस्जिद का परिसर जो है एसआई टीम आज सुबह 7 बजे से ही इसका सर्वे कर रही है, और कहीं ना कहीं हिंदू पक्ष के लिए बड़ा ये दिन है क्योंकि इस टाइम सावन भी चल रहा है, भोलेनाथ का दिन है। और वहीं इस बीच अगर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का एक ट्वीट आया है जिसे देखकर काफ़ी लग रहा है कि जो हिंदू पक्ष है या यूँ कहें जो बीजेपी, काफ़ी खुशी नज़र आ रहे हैं क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर ट्वीट किया है कि हर हर महादेव सत्यमेव जयते, सत्य को परेशान किया जा सकता है लेकिन परास्त नहीं किया जा सकता है। इस तरह वो लगातार वो ट्वीट किए हैं। पिछले बार भी जब 2021 में जब ये मामला चल रहा था तब भी उन्होंने ये कहा था कि अब हमारे भोलेनाथ मिल गए क्योंकि हम लोग का उन्हीं का इंतजार था, और ये साबित हो गया कि जो मस्जिद में है वो कहीं ना कहीं शिवलिंग निमा आकृति है और सर्वे में ये पता लगाया जा सकता है। इस वजह से तमाम वो जो है अपने ट्वीट के जरिए वो खुशी अपना जाहिर जो है वो करते रहते हैं। लेकिन बात की जाए मयूरी ये सर्वे की बात की जाए तो आज सुबह 7 बजे से ही सर्वे शुरू हो गया है। इसमें 43 सदस्य जो है एएसआई के हैं और वही इसमें 4 टीमें बनाया गया और चारों टीम जो है वो अलग अलग जगहों पे जाके सर्वे कर रही है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात ये है नंदिनी की जो इसमें बताया गया था, मुस्लिम पक्ष का ये कहना था कि फव्वारे है और हिंदू पक्ष का कहना था कि ये जो शिवलिंग आकृति है जिसे सील कर दिया गया था बाद में, उससे सर्वे करने के आज भी आदेश नहीं मिला है। क्योंकि इसलिए आदेश नहीं मिला है क्योंकि ये जो मामला है अभी भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और इसमें 10:30 बजे से आज इसका जो है मामला की कार्रवाई जो है वो शुरू हो गई है। अगर सुप्रीम कोर्ट से इसका भी मामला अगर आ जाता है तब अब बता दें आपको कि जो शिवलिंग आकृति निमा जो बता रही है कि हिंदू पक्ष की ये शिवलिंग है, वही मुस्लिम पक्ष का कहना है कि ये भवारे है, तब इस पे जो है सर्वे हो सकता है। लेकिन अभी जो है पूरा ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का पूरा सर्वे होगा क्योंकि हिंदू पक्ष का कहना है कि जो अंदर उनका गुंबद है वहाँ पे धबाधब की आवाज़ आती है और कहीं ना कहीं उसमें कई ऐसे मूर्तियां आने की शंका जताई जा रही है। वहीं बता दे नंदिनी आपको कि ये जो मामला है 2021 से चल रहा है, इसमें 4 महिलाओं ने पत्र लिख के एक निवेदन किया था कि जो ज्ञानवापी परिसर के बगल में जो मंदिर है सिंगार गौरी की, तो दिन रात ने पूजा करने के लिए अनुमति मांगी थी। और जब ये सर्वे किया गया था तो ये पूरा मामला निकल के आया था कि कहीं ना कहीं उसमें जो फव्वारे बता रहा है वो हिंदू पक्ष का कहना है कि वो शिवलिंग आकृति है।
तो इस प्रकार से दावा किया गया था और वही दूसरी पक्ष जो हिंदू पक्ष जो मुस्लिम पक्ष है उसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में अपना दरवाजा खटखटाया। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि ये एक फवारे है जो हर मस्जिद में होता है। वही बात की जाए इसके इतिहास के नंदनी, तो इसका इतिहास जो है 1950 का है और 1950 में तमाम हिंदू पक्ष के जो पंडित और लोग थे उनका यह कहना है कि यहाँ पे विक्रमादित्य ने मंदिर बनाए थे और मंदिर को तोड़वा कर जब औरंगजेब आए वो मस्जिद बना दिया और तब से लगातार ये जो मामला सूट पकड़ते जा गया है। सुहानी देखिए वहीं पर आज शिव भक्तों के लिए ये बड़ा दिन है, सावन का आज तीसरा सोमवार है। हिंदू पक्ष के सर्वे के बाद जिस तरीके से हिंदू पक्ष लगातार मांग कर रहा था कि ASI सर्वे हो, तो आज ASI सर्वे की शुरुआत हो गई है, तो कहीं ना कहीं ये शिव भक्तों के लिए आज बड़ा दिन है। जी बिल्कुल बिल्कुल नंदिनी, जिस तरह से ये जो सावन का तीसरा सोमवार चल रहा है और कहीं ना कहीं देख सकती है पूरे देश में जो सावन के लेकर जो उत्साह है जो भक्तों में वो लगातार जो कवाड़ी है वो भी देख सकती है। और काशी विश्वनाथ मंदिर में तो जो भीड़ों की बात करें तो आप खुद देख सकती है किस तरह से वहाँ पे भीड़ है, लेकिन आज जो सर्वे हो रहा है वो लगातार सुबह से किस तरह से भीड़ है वो देखा जा रहा है। वही आपको बता दें कि तमाम उनके जो भक्त है वो इस खुशी से जो इस खबर से खुश कर खुश है और उनका ये मानना है कि जो हमारे शिवलिंग है कि आज जो शिव में जो मंदिर है जो असल में विश्वेश्वर मंदिर है वो इस सर्वे के तहत उनकी जानकारी मिल सकती है, क्योंकि भगवान शिव का जो ये दिन चल रहा है कहीं ना कहीं उनका ये संकेत भी होता है। तो लगातार जो पुजारी हैं और जो लोग हैं वो कयास लगा रहे हैं कि इस सर्वे के जरिए कहीं ना कहीं जो शिवलिंग की आकृति है वो हमें मिल सकता है। और देख सकते हैं किस तरह से जो विपक्ष और पक्ष है वो भी लगातार इस पर ट्वीट कर रही है। वही जो मुस्लिम पक्ष के लोग हैं उस पर साफ तौर पर ये उनका खारिज करते हैं, उनका ये भी कहना सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा उन्होंने खटखटाया। उनका ये भी कहना है कि ये जो शिवलिंग आकृति आप कह रहे हैं ये शिवलिंग आकृति नहीं, ये एक फवारे है, तो इसके लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया है। और 10:30 बजे से सुप्रीम कोर्ट में जो कार्रवाई भी शुरू हो गई है। अब ये देखा जा रहा है कि क्या हिंदू पक्ष की जो खुशी है क्या आगे और भी बढ़ सकता है, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है और इसे लेकर लगातार जो वहाँ पे भीड़ भी है वो भी देखने को मिल रही है, क्योंकि 43 टीमें हैं और अलग अलग जगहों से जाकर वो सर्वे कर रही है। उसमें 4 महिलाएं भी मौजूद है और वहाँ पे 4 महिलाओं के अलावा वहाँ पे जो वकील है वो भी अलग अलग पक्षों के वकील मौजूद है और तमाम यहाँ पे लोग भी मौजूद है। और सर्वे की जाँच जो है वो अभी 4 अगस्त तक रिपोर्ट सौंपने की बात की जा रही है। बात की जाए नंदिनी, तो कहा जा रहा है कि जिस तरह से राम अयोध्या के राम मंदिर और बाबरी मंदिर का केस था वही अब बनारसी और ज्ञानवापी मस्जिद का केस आ गया है। लेकिन बात की जाए कि राम मंदिर का जो ASI सर्वे हुआ था वो कहीं ना कहीं 2005 का मामला था, 2002 का मामला था, 2005 में इसका मामला जो रिपोर्ट सौंपी गई। लेकिन इसकी बात की जाए कि इसकी रिपोर्ट जो 4 अगस्त को सौंपने के लिए अदालत ने आदेश दिया है, लेकिन कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं ज्ञानवापी मस्जिद का जो एरिया है उतना बड़ा नहीं है, 6 से 7 मंथ इसमें जो रिपोर्ट सौंपने में लग जाएगी। तो इस तरह से जो कयास लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो इसका रिपोर्ट है वो 6 से 7 महीने में इसका रिपोर्ट आ सकता है कि आखिर मामला क्या है, और उस टाइम ये देखा जा सकता है कि क्या जो हिंदू पक्ष ने दावा किया है कि ये फवारे नहीं ये जो शिवलिंग आकृति है, या मुस्लिम पक्ष का ये मानना है कि हर मस्जिद में जिस तरह से फवारे होते हैं वो फवारे हैं, तो ये पता लगाया जा सकता है। क्योंकि सर्वे में खासतौर पर ये पता लगाया जा रहा है कि ये जो मंदिर का जो उनकी एज है, जो मंदिर कब बना था और इसका जो एज है वो कब तक हुआ है और क्या कब किस सन में बना था, पूरी तरह से सर्वे को किया जा रहा है। और वही इसमें जो कोर्ट ने ये भी आदेश दिया है कि बिना मस्जिद को नुकसान पहुंचाए इसका ये पता लगाया कि कब ये मस्जिद बना था और कब का है और इसमें आखिर जो दावा हिंदू पक्ष कर रहा है वो सही है या नहीं, तो ये तो अब आगे पता चलेगा कि अगर आखिर क्या इसमें फैसला आने वाला है। लेकिन आज जो हिंदू पक्ष जो खुशी अपना जाहिर कर रहा है, जो उसका सावन का महीना है, उनका साफ तौर पर कहना कहीं ना कहीं भोलेनाथ का ये संकेत है कि उन्होंने कोर्ट ने जो आदेश दिया है सर्वे कराने के लिए, तो अगर ये साबित हो पाता है तो आगे आने वाला वक्त बताएगा। जी नंदिनी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुहानी। तो बता दें कि ASI सर्वे सुबह से ही लगातार जारी है, जिस तरीके से हिंदू पक्ष लगातार मांग कर रहा था कि ASI सर्वे हो, तो आज सुबह से ही ज्ञान वापी मस्जिद को लेकर ASI सर्वे जारी है। बता दें कि वहीं सावन का तीसरा सोमवार है और काशी में आज ASI सर्वे लगातार सुबह से ही जारी है।
उत्तर प्रदेश में लगातार अपने कुनबे को मजबूत कर रही बीजेपी एक और दांव खेलने जा रही है, जिसमें अब पार्टी के नए सदस्य के तौर पर चार नए चेहरे बहुत जल्द पार्टी का दामन थामने जा रहे हैं। इससे पहले ओपी राजभर ने एनडीए को ज्वाइन किया, फिर दारा सिंह चौहान की पार्टी सदस्यता लेकर वापसी कर चुके हैं। इस लिस्ट में अब विपक्ष के चार और नाम जुड़ने जा रहे हैं। मिली जानकारी के मुताबिक आज फिर बड़ी ज्वाइनिंग होगी। आरएलडी नेता राजपाल सैनी बीजेपी में शामिल होंगे, पूर्व मंत्री साहब सिंह सैनी बीजेपी ज्वाइन करेंगे। इसके अलावा जौनपुर के सपा नेता जगदीश सोनकर इस बीजेपी में शामिल होंगे। सपा नेता सुषमा पटेल भी, पूर्व विधायक अंशुल वर्मा और जौनपुर के पूर्व विधायक गुलाब सरोज बीजेपी में शामिल होंगी। लगातार पार्टियों के नेता जो है अपना दल बदल रहे हैं। इसी के साथ अब बीजेपी अपनी कुनबा बढ़ाने की तैयारी कर रही है। कुछ ही दिन पहले एनडीए और ओपी राजभर का गठबंधन हुआ था, इसके बाद आज कई नेता बीजेपी को ज्वाइन करेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता विभांशु जुड़ चुके हैं। विभांशु, आज बीजेपी में जिस तरीके से दूसरे पार्टी के नेता आज बीजेपी को ज्वाइन करेंगे, लगातार देखिए बीजेपी अपना कुनबा बढ़ाने की तैयारी कर रही है 2024 मिशन को लेकर। जी बिल्कुल नंदनी, आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव के मद्देनजर रखते हुए खास करके विपक्षी पार्टियों पर कहीं ना कहीं सर्जिकल स्ट्राइक करते हुए नजर आ रही है, और मिशन डिमोलिश के तहत, डिमोलिश यानी तोड़फोड़ के तहत कहीं ना कहीं अलग अलग पार्टियों से आए नेताओं को कहीं ना कहीं बीजेपी में शामिल करवा रही है। और 2024 के मद्देनजर रखते हुए ये ज्वाइनिंग काफी अहम मानी जा रही है। आज बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय पर चार नेताओं की ज्वाइनिंग हो रही है, जो अपने साथ कई समर्थकों को लेकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का दामन थामेंगे। अगर बात की जाए तो सबसे पहले साहब सिंह सैनी की बात करें तो समाजवादी पार्टी की सरकार में पूर्व मंत्री रहे हैं और मुलायम सिंह खेमे के एक बड़े नेता रहे हैं। ये आज भारतीय जनता पार्टी का कहीं ना कहीं दामन थाम रहे हैं। इनके साथ कहीं ना कहीं पश्चिम से तमाम बड़े नेता भी इनके साथ बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। अगर 2024 के लिहाज से देखा जाए तो साहब सिंह सैनी के आने के बाद पश्चिम का जो बीजेपी का कुनबा है उसमें काफी मजबूती मिलेगी। उसके ठीक बाद अगर बात की जाए तो आरएलडी से कहीं ना कहीं एक बड़े नेता राजपाल सैनी को बीजेपी अपने साथ साधने का काम कर रही है, उन्हें भी पार्टी कहीं ना कहीं बीजेपी ज्वाइन करवा रही है। अगर बात की जाए तो देखें तो राजपाल सैनी पिछड़ी बिरादरी से आते हैं, और भारतीय जनता पार्टी को अगर देखा जाए तो 2014 में, चाहे 2019 के लोकसभा चुनाव में, चाहे 2017 के विधानसभा चुनाव में, चाहे 2022 के विधानसभा चुनाव में, कहीं ना कहीं ओबीसी और एससी का पुरजोर समर्थन मिला, जिसकी वजह से आज सत्ता में बैठी हुई है। वहीं अगर बात की जाए तो जौनपुर से कुर्मी चेहरे के तौर पर अपनी अलग पहचान रखने वाली सुषमा पटेल आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रही हैं। अगर बात की जाए तो जौनपुर के मछली शहर से वागनी सोनकर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के कोल्ले कब लगातार बयानबाजी करती है पक्ष में, साथ ही साथ समाजवादी पार्टी को जहां एक तरफ से वो ग्राउंड लेवल पर मजबूत करते हुए आ रही हैं, तो उनके कार्ड के रूप में भारतीय जनता पार्टी सुषमा पटेल को कहीं ना कहीं ज्वाइनिंग करवा रही है। उसके ठीक बाद अगर बात की जाए तो जगदीश सोनकर, जो कि एससी चेहरे के तौर पर अपनी अलग पहचान रखते हैं, साथ ही साथ चार बार विधानसभा के सदस्य रहे हैं, इन्हें भारतीय जनता पार्टी आज कहीं ना कहीं ज्वाइनिंग करवा रही है। आज ज्वाइनिंग के वक्त अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी और दोनों डिप्टी सीएम प्रदेश के ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य समेत संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह मौजूद रहेंगे। अब देखने वाली बात यह होगी कि जहां बीते दिन ओम प्रकाश राजभर के एनडीए में वापसी, और साथ ही अगर बात की जाए तो दारा सिंह चौहान की वापसी के बाद से लगातार बीजेपी अपने मिशन डिमोलिश में लगी हुई है, और आने वाले दिनों में कई बड़े नेताओं को और ज्वाइन करा सकती है। नंदनी, विभांशु, देखिए जिस तरीके से बीजेपी सेंधमारी कर रही है और जो दूसरे दल के नेता आज बीजेपी को ज्वाइन करेंगे, तो क्या लगता है, जिस तरीके से बताया अपने सपा के नेता है, आरएलडी के नेता है, तो कितना भारी नुकसान हो सकता है इन दोनों पार्टियों के लिए? जी निश्चित तौर से अगर बात की जाए तो ये सभी नेता एससी ओबीसी वर्ग से आते हैं, और खास तौर पे पश्चिम, और अगर बात करें तो अवध क्षेत्र के ऊपर का हिस्सा यानी कि पठार का एरिया जौनपुर क्षेत्र के हैं, तो निश्चित तौर पर पश्चिम और
अगर बात की जाए तो यूपी के मध्य से कहीं ना कहीं बीजेपी को मजबूती मिल सकती है और समाजवादी पार्टी जो कि लगातार पश्चिम में और बात करें तो यूपी के मध्य में अपने आप को मजबूत होने का दावा करती है उसमें कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा होते हुए नजर आएगा। अगर बात की जाए तो साहेब सिंह सैनी एक ऐसे नेता हैं जो अपने सीट के साथ साथ अलग अलग सीटों पर भी अपना प्रभाव रखते हैं, तो निश्चित तौर से आने वाले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का इसका फायदा होते मिल सकता है। जी देखिए, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि विपक्ष एकजुट होकर चुनाव लड़ रहा है, वहीं बीजेपी सेंधमारी में आगे निकल रही है, तो क्या लग रहा है जिस तरीके से पार्टी को छोड़कर नेता एक दूसरे दल में शामिल हो रहे हैं, तो आने वाले दिनों में क्या कुछ देखने को मिल सकता है और किस तरीके से विपक्षी जो जिस तरीके से विपक्ष बता रहे कि हम एक साथ हैं, मजबूत होकर लड़ रहे हैं, लेकिन जो उनके नेता हैं दूसरे दल में शामिल हो रहे हैं, बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, तो क्या कुछ देखने को मिल सकता है आगे? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो सपा के इसको कहीं ना कहीं और साथ ही साथ आरएलडी को बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि आरएलडी की अगर बात की जाए तो अपने पार्टी को कहीं ना कहीं मजबूती से पश्चिम में एक प्रदर्शित करते हुए आती है। अगर बात की जाए तो आज भारतीय जनता पार्टी में इन चारों नेताओं के आने के बाद, भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने के बाद, निश्चित तौर से सपा और आरएलडी पर कहीं ना कहीं देखें तो इसका झटका लग सकता है। और अगर बात की जाए तो आपने विपक्षी एकता की बात की, तो विपक्षी एकता को लेकर कहीं ना कहीं अगर देखें तो विपक्षी एकता से इसका कोई रोल नहीं है, कोई इसका नाता नहीं है। विपक्षी एकता अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी जो कि कांग्रेस के साथ एनडीए इंडिया गठबंधन के तहत, इंडिया अलायंस के तहत चुनाव लड़ने की बात कर रही है, और अगर इंडिया अलायंस के जो तमाम दिए गए निर्देश हैं उसके खिलाफ जाती है, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं अगर देखें तो ये विपक्षी एकता में कहीं ना कहीं से एक खटास होगी। मगर बात करें तो नेताओं के अलग अलग पार्टियों में जाने से, तो इससे साफ तौर से उन दलों को कहीं ना कहीं नुकसान मिलेगा जिनके नेता आज छोड़कर कहीं ना कहीं बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। अगर बात करें तो आपने देखा कि विपक्षी की एकता की बैठक बेंगलोर में हुई, तो साफ तौर से टीएमसी की राष्ट्रीय अध्यक्षा और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि उद्धव ठाकरे और एनसीपी प्रमुख शरद पवार फाइटर हैं, उनके नेताओं के जाने से उनका जो लड़ने का तरीका है वो नहीं बदलेगा, अगर वो मौजूद रहेंगे तो निश्चित तौर पर नए विधायकों को, नए नेताओं को जगह मिलेगी। जी तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका विवांशु। तो बता दें कि लगातार सियासी तोड़फोड़ जारी है, बीजेपी अपना कुनबा बढ़ाने के लिए तमाम तैयारियां कर रही है, रणनीति बना रही है 2024 मिशन को लेकर। आज बीजेपी सर्जिकल स्ट्राइक जारी कर रही है, वहीं पर बता दें कि आज बीजेपी में दूसरे दल के नेता शामिल होंगे, कई नेता जो है आज बीजेपी को ज्वाइन करेंगे। इस खबर में बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।